और ऐसे वाकयात नहीं होने चाहिए किसी सूरत, क्योंकि अदालत का ऑर्डर है, लेकिन अदालत की किसी ऑर्डर को तो माना नहीं जाता। और क्या करें, जो अदालतें उनके पास बारहा जाते हैं, उन पर एतमाद करते हैं, उनसे रिलीफ के लिए दरख्वास्त करते हैं, अगर वहाँ से भी रिलीफ ना मिले तो फिर क्या करना है? ये नहीं होने चाहिए थे। अभी खान साहब ने ऐलान किया हुआ है 24 तारीख के लिए, आज खान साहब से मुलाकात होगी इंशाल्लाह, इस पे मजीद बहस होगी इंशाल्लाह, और फिर सर इस इत्तेजाज में जो है बाकी लोग भी नजर आएंगे, खाली अवामी नजर आएगी? नहीं, देखो खान साहब की कॉल पे इंशाल्लाह पूरी दुनिया ही नजर आएगी, लेकिन आगे देखते हैं। तारीख की कॉल कंफर्म है यार, एक देखे, मैं आपको एक चीज बताऊँ, खान साहब इज खान साहब, ही इज द बॉस, ही डजंट रिकमेंड, ही ऑर्डर्स, वी फॉलो। बात नहीं हुई क्योंकि खान साहब से नहीं हुई, इसलिए वो अलग बात है, आज जाएंगे खान साहब से बात करेंगे, फिर वापस पहले 26 यानी तरमीम के हवाले से जो एमएनए थे वो नहीं थे आ रहे, एहतजाज में फिक्र नहीं थे कर रहे, अब तो तरमीम मुकम्मल हो चुकी है, अब क्या देखते हैं जो एमएनए थे उनकी एक बड़ी तादाद मतवके होगी कि एहतजाज में शरीक होंगे? एहतजाज में सारे लोग शरीक हो गए, खान साहब का ऑर्डर तो चलो जी। नाजरीन, आपने सुना है बरसर गौर को एहतजाज में पूरी क्यादत शरीक होगी, इलेक्शन कमीशन आए थे और निकल रहे इमरान खान से मिलने के अडयाला जेल, और ऐसे वाकयात नहीं होने चाहिए किसी सूरत, क्योंकि अदालत का ऑर्डर है, लेकिन अदालत की किसी ऑर्डर को तो माना नहीं जाता। और क्या करें, जो अदालतें उनके पास बारहा जाते हैं, उन पर एतमाद करते हैं, उनसे रिलीफ के लिए दरख्वास्त करते हैं, अगर वहाँ से भी रिलीफ ना मिले तो फिर क्या करना है? ये नहीं होने चाहिए थे। अभी खान साहब ने ऐलान किया हुआ है 24 तारीख के लिए, आज खान साहब से मुलाकात होगी इंशाल्लाह, इस पे मजीद बहस होगी इंशाल्लाह, और फिर सर इस इत्तेजाज में जो है बाकी लोग भी नजर आएंगे, खाली अवामी नजर आएगी? नहीं, देखो खान साहब की कॉल पे इंशाल्लाह पूरी दुनिया ही नजर आएगी, लेकिन आगे देखते हैं। देखे, मैं आपको एक चीज बताऊँ, खान साहब इस खान साहब, ही इज द बॉस, ही डजंट रिकमेंड, ही ऑर्डर्स, वी फॉलो। बात नहीं हुई क्योंकि खान साहब से नहीं हुई, इसलिए वो अलग बात है, आज जाएंगे खान साहब से बात करेंगे, फिर वापस पहले 26 यानी तरमीम के हवाले से जो एमएनए थे वो नहीं थे आ रहे, एहतजाज में फिक्र नहीं थे कर रहे, अब तो तरमीम मुकम्मल हो चुकी है, अब क्या देखते हैं जो एमएनए थे उनकी एक बड़ी तादाद मतवके होगी कि एहतजाज में शरीक होंगे? एहतजाज में सारे लोग शरीक हो गए, खान साहब का ऑर्डर तो चलो जी। नाजरीन, आपने सुना है बरसर गौर को एहतजाज में पूरी क्यादत शरीक होगी, इलेक्शन कमीशन आए थे और निकल रहे इमरान खान से मिलने के लिए अडयाला जेल जाएंगे, उसके बाद ही अगले लाए अमल का पता चलेगा।